हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ हीप ऑफ वीट, एक गेहूं की ढेरी है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, वो एक कोन की शक्ल की है। जब आप गेहूं को ऐसे ऊपर से डालते हैं तो ज़मीन के ऊपर ऐसे कोन की शक्ल की ही ढेरी बन जाती है। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, और इस ढेरी का डायमीटर 10.5 मीटर है एंड हाइट इज 3 मीटर, और इसकी ज़मीन से ऊपर ये जो हाइट है ये 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको इस हीप का वॉल्यूम निकालना है। नंबर वन, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, और इस ढेरी को कैनवस से ढकना भी है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, ताकि ये बारिश से बच जाए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो कितना कपड़ा लगेगा इस ढेरी को ढकने के लिए, ये भी आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है हीप का और हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये जो डायमीटर है ना, इसे हम रेडियस बना लेते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूलेज में तो रेडियस यूज़ होता है। तो डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस रेडियस को 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद ये जो डेसिमल है ना, इसे हटाएंगे। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 10 5 से डिवाइड होके 2 आ गया, और 105 को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 21 आ जाएगा। तो ऊपर 21 और नीचे 2 2 आर 4, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 5.25 आ जाएगी, और ये सारा मीटर में है तो मीटर। तो मेरी ये जो दो वैल्यूज़ है ना, रेडियस की जगह मैं 21/4 भी ले सकता हूँ और 5.25 भी ले सकता हूँ। अब आते हैं नंबर वन पे, हमें निकालना है हीप का वॉल्यूम। हीप जो है कोन की शेप की है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट। वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, और रेडियस यहाँ पर ये है मेरा, मैं यहाँ 21/4 को यूज़ करूँगा ताकि मेरा कटने में आसान रहे। तो 21/4 इंटू 21/4 और हाइट की जगह 3। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 पूरा कट गया, 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3, यहाँ 7 और 21 कट गया, 7 वन ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ये 4 22 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से दोनों को करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो गया। अभी कुछ भी कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर ऊपर आपकी तीन वैल्यूज बची हैं, 11 इंटू में ये 3 और इंटू में ये 21, नीचे है 4 और ये 2, तो 4 2 ज़ार हो गया 8। ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इन तीनों नंबर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 693 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये 8, 8 से इसे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 86.625, और ये मीटर है तो मीटर का क्यूब। तो ये तो आ गया है इस हीप का वॉल्यूम। नंबर टू, कैनवस रिक्वायर्ड भी आपको निकालना है। अब देखिए, जो कपड़ा इस पे लगेगा वो सिर्फ इसके कर्व सरफेस पर ही तो लगेगा, ज़मीन में तो लगेगा नहीं। तो कपड़ा जो इसमें चाहिएगा उसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना होगा। अब हम निकालते हैं कैनवस रिक्वायर्ड। तो कैनवस रिक्वायर्ड में फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, और रेडियस यहाँ पे मैं 21/4 ले लेता हूँ, और एल, एल होती है ये स्लांट हाइट, जो तिरछी वाली साइड होती है ना, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, इसे स्लांट हाइट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखी है, अगर ये दे नहीं रखी है तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब हम एल निकालते हैं। एल निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब हाइट है यहां पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और रेडियस, अब यहां पे ना रेडियस में ये पॉइंट वाली वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आसान हो जाएगी, तो 5.25 ले लेता हूं मैं रेडियस की जगह पे, और इसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब यहां पर 525 को मल्टीप्लाई आपको 525 से करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 27,5625। अब पॉइंट के बाद यहाँ दो नंबर हुए, पॉइंट के बाद यहाँ भी दो नंबर हुए,
टोटल चार नंबर हो गए, तो आंसर में पीछे से चार नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब अंदर अंदर 27.5625 प्लस 9 करना है, जब इनका सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 36.5625। अब इसके बाद इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 36.5625। देखिए पॉइंट से पहले वंस टेंस इधर जो नंबर चलते हैं, दो दो नंबर का पेयर बनता है ऐसे, और पॉइंट के बाद यहाँ से ऐसे पेयर बनना शुरू होता है। अब ये मेरा एक पेयर हो गया 36। 36 के नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है, तो साफ साफ दिख रहा है 6 6 36 होता है, इसे माइनस करूँगा तो जीरो आ गया। अब यहाँ पॉइंट चल गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा, जैसे हम डिवाइड में एक नंबर उतारते हैं ना, यहाँ पूरा का पूरा पेयर उतरता है, तो 56 उतर जाएगा, और यहाँ पे 6 में 6 प्लस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब मैं देखूँगा यहाँ पर और यहाँ पर मुझे कोई एक ही नंबर लेना है ताकि मेरा 56 यहाँ से छोटा आ जाए। अगर मैं यहाँ 1 भी लेता हूँ ना तो 121 बन जाएगा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 121 ही आएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 0 पर ही लेना पड़ेगा। तो 120 0 0 माइनस करेंगे तो 56 आ गया। अब ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे, ये 25 उतार लिया। अब यहाँ 120 के अंदर ये पीछे 0 है ना, तो 0 ही प्लस करना है। यही रूल होता है डिवीजन मेथड में कि जो वंस प्लेस होता है ना, वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वही आपका जुड़ता चला जाता है। तो 120 में 0 जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे कोई सेम नंबर लेना है ताकि ये वैल्यू आए या इससे छोटी आए, तो मेरी बात यहाँ 4 पे बनेगी। 4 लगाने से ये 1204 हो गया, इसको 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 4816। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 9, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 8। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पॉइंट के बाद मैंने दो नंबर ले लिए ना, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो यही वैल्यू मैं लगभग यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ क्योंकि 0.04 है ना, तो मैं इसको 0.05 मान लेता हूँ। तो L मैंने निकाला है, पहले तो मैंने L ही निकाल दिया है, L की जगह 6.05। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं, 7 1 7 7 3 21, ये 4 इससे कटेगा 2 पे, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। वैल्यू बचती है ऊपर 11 × 3 × 6.05। देखिए यहाँ मैंने 05 क्यों लिया है, क्योंकि इसे मैं जब आगे और सॉल्व करूँगा ना कोई वैल्यू तो आएगी, 4 से तो कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा वहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है, ये रीज़न है इसका राउंड ऑफ करने का। और नीचे इसमें 2 भी है, ऊपर ऊपर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 199.65 आएगा, और नीचे डिवाइड में 2 भी है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 99.825, और ये एरिया है तो मीटर का स्क्वायर, तो 99.825 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिएगा इसको ढकने के लिए ताकि ये बारिश से बच जाए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।